हाय एवरीवन, आज एक अनदर ड्राइविंग सीरीज का एक पार्ट है एंड दिस इज स्पेशली फॉर बिगिनर ड्राइवर्स। और धीरे धीरे हाईवे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक हाईवे से रिलेटेड पार्ट है। मैं बता देता हूँ क्या उस पार्ट में। जब एक ड्राइवर सीखता है तो ग्राउंड में सीखेगा, ट्रैफिक में जब वो जाता है हाईवे पे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट टाइम हाईवे ड्राइविंग फॉर बिगिनर ड्राइवर, दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हम इसके बारे में अब बात करेंगे। और अब हाईवे पे मैं चढ़ा देता हूँ गाड़ी, मर्ज करते हैं। जब एक ड्राइवर फर्स्ट टाइम हाईवे पे अपनी गाड़ी लेकर जाता है तो एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी होती है। और अगर मैं बिगिनर ड्राइवर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें रैश ड्राइविंग नहीं होगी। इसमें मैं आराम से जो स्पीड लिमिट अपनी स्टैंडर्ड रहती है 80 की, उसके ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, तो रैश ड्राइविंग इस वीडियो में नहीं मिलेगी। जब भी आप एक हाईवे पे जाते हो ना, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि दो ही चीज़ों के ऊपर आपकी हाईवे ड्राइविंग का खेल रहता है। ये गंदगी ना फेंके ऐसे, और उसमें दो जो मेन चीज़ें हैं जो कि आपकी हाईवे के ऊपर काम करेंगी, उनमें एक है आपका स्टेयरिंग व्हील, दूसरा आपका ब्रेक। क्लच वाला यहाँ से ही नहीं है कि ट्रैफिक में हो कम ज़्यादा छोड़ दोगे बंद पड़ जाएगी, हाईवे पर गाड़ी ऐसे छोड़ने से बंद नहीं पड़ती है। एक्सेलेटर का ज़्यादा खेल इसलिए नहीं है, मतलब ठीक है एक्सेलेटर दबाए रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, छेड़ना नहीं है बार बार अपना। जो अगर बिगिनर ड्राइवर हो तो एक ही स्पीड पे चलते जा रहे हो, वो चीज़ है वहाँ पे, तो इसका ज़्यादा खेल नहीं है। लेकिन ब्रेक का ज़रूर है कि अचानक अगर मान लो किसी ने कट मार दिया कोई, अगर सामने से जैसे ये रॉन्ग साइड में आ गए तो ब्रेक कितना दबाना, वो सब चीज़ें हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब भी एक आप हाईवे पर गाड़ी लेके जाते हो, इधर इट्स अ 4 लेन और अ 6 लेन हाईवे, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, फिर 8 लेन 10 लेन जो है वो बाद की बात है। 4 लेन मतलब डिवाइडर के 2 लेन इधर 2 लेन उधर, 6 लेन में 3 इधर 3 उधर, टोटल मिला के, ठीक है। तो अगर 4 लेन में हो तो डिवाइडर के साथ गाड़ी मत चलाओ, अगर एक बिगिनर ड्राइवर हो, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, तो डिवाइडर के साथ वाली लेन में गाड़ी मत चलाओ क्योंकि वो ओवरटेकिंग लेन होती है। डिवाइडर के साथ वाली लेन, फिर वो चाहे 6 लेन हाईवे हो 8 लेन, वो हमेशा ओवरटेकिंग लेन रहती है, उसमें मत चलाओ। अपना लेफ्ट मोस्ट, क्या मतलब एक ही बच गई, तो अपना लेफ्ट में गाड़ी चलाओ, ठीक है। और ये जैसे अब 6 लेन हाईवे है, हालांकि मार्किंग अभी नहीं है, थोड़ा आगे जाके आएगी, तो बीच वाली लेन में चलाओ क्योंकि लेफ्ट से कोई आगे से आ गया, राइट में किसी ने गाड़ी रोक रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप हमेशा अपने बीच में चलाओ। जैसे ये गाड़ी चल रही है और हम चल रहे हैं, ये सबसे सेफेस्ट लेन होती है और यहाँ पे सामने से कुछ आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो लेन का हो गया कि बीच वाली लेन में चलानी है और लेफ्ट वाले में चलानी है अगर वो 4 लेन हाईवे है। अब उसके बाद देखो, नर्वसनेस अगर होगी तो गाड़ी वैसे भी नहीं चला पाओगे, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी तो वैसे भी नहीं चला पाओगे। नर्वसनेस में आप चीज़ें घबरा के उल्ट पुलट कुछ भी कर देते हो, गाड़ी अगर लग गई थोड़ी बहुत तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन, फिर दोबारा आप स्टेयरिंग नहीं पकड़ पाते गाड़ी का, कि यार डर बैठ गया मैं कैसे चलाऊँ, मेरे साथ फिर लग जाएगी, भाई ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, जो भी सिखा रहा था उसने डांट दिया और अब वापस कैसे लेके जाऊँ, तो ये दिक्कत है। तो नर्वसनेस ठीक है आपने, क्योंकि वो आपको कंट्रोल रखती है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने देती नर्वसनेस, एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद वो दिक्कत देगी आपको। अगर ज़्यादा ही घबरा गए, पसीना वसीना आ गया, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट आपको पुश करती है सीखने के लिए, तो हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, आती नहीं होनी चाहिए। अब अगला, मिरर एंड इंडिकेटर्स। एक चीज़ मैं बताऊँगा, पहले सुन लो, मिरर दोनों बड़े ध्यान से देखने हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ, रिसेंटली मैंने एक एडवांस ड्राइविंग टिप्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बोला कि मिरर में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो रील निकाल के इंस्टाग्राम पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी। इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं ये क्या चीज़ बता रहा है, मिरर में नहीं देखना है और मिरर में तो देखना चाहिए। कैप्शन नहीं पढ़ा लोगों ने, पूरी वीडियो नहीं देखी है, आधी वीडियो देखी और कमेंट ठोक दिया, ऐसा नहीं होता है। वो एक एडवांस टिप थी जो हर ड्राइवर के लिए नहीं थी, मैं वो करके दिखाऊंगा अगर बीच में मौका मिला तो, अभी तो नहीं है मेरे पास। तो वो उसका मतलब मेरा ये नहीं था कि मिरर में नहीं देख रहा, मिरर में एकदम देखना है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ क्या मतलब था, बाद में दिखाऊंगा, छोड़ो टाइम लगेगा उसमें। तो मिरर में ज़रूर देखें और इंडिकेटर ज़रूर दें। इंडिकेटर्स के बीच में अगर कन्फ्यूजन है तो वो अपना ठीक करके ही हाईवे पर जाना, जब भी टर्न लोगे इंडिकेटर ज़रूर देना है। इंडिकेटर को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इन दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो कि इंडिकेटर कब देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार मुड़ना हो तो इंडिकेटर देते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अपने पीछे जो गाड़ी है उसको ओवरटेक करने के लिए हम इंडिकेटर देते हैं कि जा भाई तू जा, राइट का इंडिकेटर दे दिया, जा तू जा, ये नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और अ प्रोटोकॉल बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ या जो भी गाड़ी चलाते, ये प्रोटोकॉल अपनी मनगढ़ंत है।
पहाड़ों में इसका यूज करते हैं मोड पे, क्योंकि पीछे वाले को आगे दिख नहीं रहा, ट्रक वाले इंडिकेटर दे देते हैं कि जावे निकाल ले। ये हमने खुद ने बनाई है, ऐसा कोई रूल कहीं नहीं लिखा। दीज आर टर्न इंडिकेटर्स, एज अ नेम सिग्निफाइज टर्न इंडिकेटर्स, यानी मुड़ोगे तो इंडिकेटर देना है। तो ये बात गांठ बांध लो कि इंडिकेटर तभी देना जब आप खुद मुड़ोगे। काफ़ी बार हाईवे पे ऐसे ट्रैफिक में भी फंस जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाईवे का मतलब अगर आप ये जानते हो कि बस रेस दे के रखनी है, 100 पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो ऐसा नहीं है, ट्रैफिक भी आपको मिलता है। और यहीं आपकी जो ट्रैफिक ड्राइविंग वाली जो स्किल्स है वो यहाँ पे आप काम आएंगी। और कोशिश करना कि अगर हाईवे पे चला रहे हो, ट्रैफिक लग रहा है, तो अपनी लेफ्ट एक या दूसरी लेन में रखना। लेफ्ट इसलिए रखनी होती है कि अगर जाम वाम लग भी जाता है तो जो आपका कट आएगा मान लो एग्जिट लेने के लिए, वो लेफ्ट में ही आएगा, तो आप अपनी गाड़ी निकाल लो वहाँ से। राइट में फंस गए तो इधर नहीं आ पाओगे बड़ी ज़्यादा, मतलब जल्दी नहीं आ पाओगे एटलीस्ट। तो अगर हाईवे पे जाम लगता है तो अपनी लेफ्ट मोस्ट लेन में रखना। ये मेरे चाचा ने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता थी ये टिप, तो रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया था। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, तो इंडिकेटर का ध्यान रखना। और देखा, रही बात ओवरटेक करने की, तो हमेशा राइट से ओवरटेक किया जाता है, लेकिन राइट में ट्रक चल रहा है तो ऑब्वियसली ये नहीं हटेगा आपके हॉर्न से, और ना इस आप इसके ऊपर से जा सकते। और लेफ्ट में ये ट्रक खड़ा है, अपनी बीच वाली लेन सबसे ठीक है, ओवरटेक करना ही है तो राइट से करना, नहीं चांस है तो हमें लेफ्ट से करना पड़ता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि प्रैक्टिकलिटी और ये जो लिखावट लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस में फ़र्क होता है। सब लिखी हुई चीज़ें काम नहीं करती है जब आप रियल वर्ल्ड में उतरते हो, तो ये जो ओवरटेक वाला सीन है हमें लेफ्ट से करनी पड़ती है, अब क्या करें। और ट्रक वालों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इनसे थोड़ा दूर ज़रूर चलो। काफ़ी बार लोडिंग व्हीकल होते हैं, आपके ऊपर पलटने के चांस हो जाते हैं, अगर रोड टेढ़ा मेढ़ा है, गड्ढे हैं, इनके टायर फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा संभल के रहो, ज़्यादा देर इनके साथ मत चलो। अगर रोड खुला है तो अपना ओवरटेक करो या पीछे करो, बस ये, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और अपना गाने वाने मत सुनो, एक तो वैसे पहले ड्राइवर हो, नए ड्राइवर हो, और ये फालतू के झंझट मत रखो गाड़ी में, ध्यान मत बटने दो अपना, सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान रखो। छोटी मोटे चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं कि भैया इंडिकेटर ज़रूर देना, थोड़ा एक डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी रखना आगे वाले व्हीकल से, और मिरर में ज़रूर देखना जो भी साइड आप लेके जा रहे हो, चाहे लेफ्ट लेके जा रहे हो चाहे राइट लेके जा रहे हो, जिस भी साइड जा रहे हो एक बार देख लेना, गाड़ी थोड़ी दूर दिखाई दे रही है, इंडिकेटर देके उस साइड में ले आना ताकि पीछे वाले को पता लग जाए। और अपनी गाड़ी के पीछे एल वाला वो साइन ज़रूर लगा लेना, लर्नर वाला, कि ये ड्राइवर नया है, तो जो पीछे चल रहे आगे चल रहे उनको थोड़ा अंदाज़ा रहे आपकी गाड़ी का, तो इससे आपका ही काम आसान होगा कि वो लोग आपकी गाड़ी से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे, आपके नज़दीक नहीं आएंगे, तो आपके लिए आसान होगा। अगली चीज़, एक आदत मत डालो कि आपके साथ कोई जाएगा तो ही हाईवे पे जाओगे। हाँ, एक बार मैं मानता हूँ कि किसी को जाना ज़रूर चाहिए जिसको हाईवे की एक्सपीरियंस है, और वो आपको बताएगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं वीडियो में बता रहा हूँ, कोई आपको पर्सनली वैसे बताएगा, लेकिन हर बार वो बंदा आपके साथ रहे ऐसा नहीं हो सकता। आप आज ले जाओगे उसे, कल कौन जाएगा आपके साथ, परसों कौन जाएगा, हमेशा जाना तो आपने अकेले नहीं है, तो ये आदत मत डालो। कभी कभार होता है, ठीक है चलता है, लेकिन आपको जाना तो अकेले नहीं है। चलो वीडियो वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा कुछ बताने का था नहीं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया था बीच में, ये ओल्ड राव ढाबा के आसपास, तो मैंने कैमरा उतार दिया था, कैमरा एंगल शायद ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, देख लेना। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ अगर मुझे फिलहाल अभी अगर ध्यान आया तो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना ही था। मिरर देते रहो, इंडिकेटर देते रहो, मिरर देखते रहो, और जो एडवांस वाला था मैं बताता हूँ, तब वो जो मैं कह रहा था ना, मैं करके दिखाऊंगा। अब मेरी गाड़ी की स्पीड 100 है, ठीक है, ये गाड़ी ज़्यादा नहीं तो 80 पे तो चल रही होगी, तो ऐसी चीज़ें भी आ जाती है। देखो वो क्लिप कट करनी पड़ी बीच में ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। तो देखो मैंने ओवरटेक किया, अच्छे से हॉर्न दिया, स्टिल वो इधर ले आया। अब मुझे नहीं पता वो कितने टाइम से गाड़ी चला रहा है, खुद की तो हैरियर है, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा कुछ बचेगा नहीं। तो ये होता है अचानक ब्रेक दबाने की टेक्टिक जो होती है ना, ब्रेक, इसीलिए मैंने कहा था कि ब्रेक्स के ऊपर थोड़ा अपना कंट्रोल रखना कि कब कितना दबाना है, अचानक खींच के दबाना है, गाड़ी कंट्रोल से बाहर भी नहीं चाहिए। और नए ड्राइवर के साथ ये दिक्कत होती है, हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथ पांव फूलना मतलब छोड़ देंगे स्टेयरिंग व्हील की, अब क्या करें, जहाँ चल रही है वहीं चलने देते हैं, और थोड़ा एक्सेलेटर और ब्रेक के बीच भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या दबाएं, क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं। कई बार क्या होता है कि ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दबा देंगे, एक्सेलेटर की जगह ब्रेक, तो बच्चे दबने के चांसेस कम ही है, लेकिन घबराहट जब होती है तो ब्रेक की जगह एक्सेलेटर ही दब जाता है, और इस चक्कर में तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आए दिन न्यूज़ में आता है कि ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दब गया, एक्सीडेंट हो गया।
तो ये चीज़ें तो आती रहती हैं। तो थोड़ा अपना संभल कर चलाओ, किसी को साथ ले जाओ एक दो बार के लिए, उनसे सीखो। स्टिल मैं यही कहूँगा, ज़्यादा जो सीखने का बेस्ट तरीका है, मैंने अपनाया था, बाकी लोग भी अपनाते हैं, ऑब्जर्वेशन। किसी और ड्राइवर के साथ बैठो, वो देखो वो कैसे चला रहा है। लेकिन अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे चला रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप सेम गलतियां करोगे, बताने वाला कोई होगा नहीं कि उसने ठीक किया गलत किया। तो दो तीन लोगों को ऑब्जर्व करो, या जिसको आप अच्छा मानते हो उसके साथ बैठो, उसको ऑब्जर्व करो। यही तरीका है बस गाड़ी सीखने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बिगनर सीरीज़ बनी है, प्रो सीरीज़ बनी है, दोनों प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे है, जाकर देख लेना। और एडवांस ड्राइविंग टिप्स भी मैंने बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी इधर उधर आ जाएगा, देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।